हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं जो डिस्कस कर रहा हूं दैट इज अबाउट टू द टाइप्स ऑफ सुपरकंडक्टर। एज यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सुपरकंडक्टर। वन इज नोन एज टाइप वन, इनको आप सॉफ्ट सुपरकंडक्टर भी बोलते हैं, और जो सेकंड नंबर पर हैं उनको आप टाइप टू सुपरकंडक्टर्स बोलते हैं, और ये हार्ड सुपरकंडक्टर्स हैं। टाइप वन और टाइप टू सुपरकंडक्टर्स की एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेजनर इफेक्ट है वो क्या है, क्योंकि टाइप वन और टाइप टू को अंडरस्टैंड करने के लिए मेजनर इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो पहली वीडियो में एक्चुअली हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अगर आप पहली वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आइडिया रिफ्रेश करने के लिए कि ये हम लोगों के पास में एक सुपरकंडक्टर मटेरियल है, और यहाँ जो टेम्परेचर है वो लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर है ऑफ दिस सुपरकंडक्टर। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एज ए रिजल्ट वी ऑब्जर्व हियर कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस मटेरियल के थ्रू पास नहीं होती है, वो इसकी सरफेस के पास ऐसे निकल जाती है, और सरफेस का एक पार्ट जो है ना वो पेनिट्रेट करती है। यहाँ एक छोटा सा पार्ट जिसको पेनिट्रेशन लेंथ बोलते हैं, ठीक है, यहां तक सपोज किया, इसको पेनिट्रेट करते हैं अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है, दैट डिसाइडेड बाय द मटेरियल एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट पर ज्यादा फोकस ना करते हुए केवल मेजनर इफेक्ट है कि जहां मैग्नेटिक फील्ड को सुपरकंडक्टर जो है वो रिपेल करता है, दैट मींस कि जो इंटीरियर के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करते हैं किसी मटेरियल के वो जीरो है, दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ जो टाइप वन सुपरकंडक्टर है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे एक्सप्लेन होंगी उस पर हम लोग फोकस कर लें तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ ये दो एक्सिस ड्रा की है, एक वाई एक्सिस पर जो है रेजिस्टिविटी कंसीडर की है, और एक्स एक्सिस पर जो है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर वैल्यू ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की ये इंडिकेट करती है टू द नॉर्मल, और इस पॉइंट पर आते ही ये क्या होगा कि सडनली जो रेजिस्टिविटी है वो ड्रॉप हो जाएगी, राइट। तो ये जो पोर्शन इस साइड का आप देख रहे हैं तो ये पोर्शन सुपरकंडक्टिंग स्टेट का है, क्योंकि यहाँ एच की वैल्यू जब लेस देन एच सी है तब आपको क्या मिल रहा है, रो इज इक्वल टू जीरो मिलता है, और रो इज इक्वल टू जीरो ये एक परफेक्ट कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ अब और यहाँ जो आपको है वो रो इज इक्वल टू जीरो मिला है, तो दैट मींस कि ये परफेक्ट सुपरकंडक्टर है। बट बियॉन्ड दैट दिस वैल्यू एच सी के, यहाँ जो ये पोर्शन है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी है, तो ये नॉर्मल कंडक्टर के जैसे, तो यहाँ क्या होगा कि ये नॉर्मल कंडक्टर होगा। तो इसके बाद हम लोग जो है दूसरा एक ग्राफिकल बिहेवियर स्टडी करते हैं, जो पार्ट ये टाइप वन सुपरकंडक्टर है, इसको थोड़ा मैं स्ट्रेट लाइन बना दूं तो ज्यादा बेटर होगा। तो इस एक्सिस पर ये एच कंसीडर किया है एज यूजुअल, और वाई एक्सिस पे जो है वो मैग्नेटाइजेशन को कंसीडर किया है, यहां पर ये मैग्नेटाइजेशन वाई एक्सिस पर। तो इनका जो बिहेवियर है जो टाइप वन है तो वो इस वे में है कि जैसे जैसे आप एच इंक्रीज करेंगे मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ऑफ एच की ये क्या होगा कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। तो एट एच इज इक्वल टू एच सी जो मैग्नेटाइजेशन है दैट बिकम्स जीरो, राइट। सो ये टाइप वन जो है उन मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि जब एच इज इक्वल टू एच सी होगा तब मैग्नेटाइजेशन जो है इनसाइड द सुपरकंडक्टिंग मटेरियल वो जीरो हो जाएगा। तो इससे पहले अब स्टडी कर चुके थे कि जो काई है दैट इज इक्वल टू माइनस वन, एंड इट इंडिकेट दैट ये जो सुपरकंडक्टर है किस टाइप के मटेरियल है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो वहां जो अब हम लोग बोल रहे हैं कि एम जीरो हो जाएगा, तो काई वहां पर आप ये देखिए कि कोई ससेप्टिबिलिटी वहां पर नहीं होगी, एक इंडिकेशन ये भी है,
अगर एम जीरो हुआ तो काई जीरो होगा, राइट। तो यहां अब पॉसिबिलिटी ये होगी कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप यूज कर रहे हैं, दैट कैन बी पेनिट्रेट द जो सुपर कंडक्टिंग मेटेरियल, राइट। तो यहाँ एक एडिशनल पॉइंट है ये, और इस पॉइंट को आपको ये थोड़ा सा फीलिंग तभी आएगी जब आप इस साइड में ये चीज को ऑब्जर्व कर चुके हैं, राइट, कि अब जो सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर से अब जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो जाएंगी। जैसे कि यहीं पर एक पॉइंट आपने ऑब्जर्व किया था टाइप वन सुपर कंडक्टर के अंदर, कि वेन टी लेस देन टी सी है, देन क्या हुआ कि ये फील्ड लाइन जो है एक्सपेल हुई है। बट वेन टी इज ग्रेटर देन टी सी, तब क्या था कि ये जो सुपर कंडक्टिंग मेटेरियल था, यहां से जो है ये आपका सुपर कंडक्टिंग मेटेरियल था, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके थ्रू पास हुई है, वेन टी ग्रेटर देन टी सी, ये आपने ऑब्जर्व किया है मेजनर इफेक्ट में। तो वही सिचुएशन अब है कि टाइप वन जो सुपर कंडक्टर है वहां एच सी एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू मैग्नेटाइजेशन बिकम्स जीरो, एब्रप्टली यहां पर चेंज हुआ है। तो ये टाइप वन सुपर कंडक्टर है, और टाइप टू जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनके लिए हम अभी ये देखते हैं पॉइंट कि जो टाइप टू सुपर कंडक्टर होंगे वो कैसे बिहेव करेंगे। टाइप टू सुपर कंडक्टर, तो यहाँ एक चीज और भी मैं साथ में मेंशन कर दूं, जो टाइप वन सुपर कंडक्टर थे आपके, तो टाइप वन सुपर कंडक्टर में ये जो एच की सी की वैल्यू है, जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेटली 0.1 टेस्ला है, 1000 जो है गोस के अप्रोक्सीमेट ये रहता है। और इसकी जो वैल्यू है वो मटेरियल टू मटेरियल 1000 गोस से 2000 गोस तक ये वेरी कर सकता है। और इनके जो कुछ एग्जाम्पल हैं जो टाइप वन सुपर कंडक्टर हैं, जैसे एल्यूमिनियम हुआ, लेड एंड इंडियम, तो ये कुछ मटेरियल हैं जो टाइप वन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और टाइप टू जो सुपर कंडक्टर है उसमें फिर हम लोग अभी देखते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव करेगा, और इसके बिहेवियर के लिए सबसे पहले इसकी रेजिस्टिविटी का जो एक बिहेवियर है विद रेस्पेक्ट टू एच, उसको हम लोग देख लेंगे। इस वे में ये रेजिस्टिविटी प्लॉट किया है ऑफ द टाइप टू जो सुपर कंडक्टर्स हैं, राइट। तो यहाँ ये जो बिहेवियर रेजिस्टिविटी का वो कुछ इस वे में, ये जो पॉइंट है यहाँ, ये एच सी वन से डिनोट करते हैं, और जहाँ ये नॉर्मल हुआ है, स्ट्रेट हुआ है, उसको ये एच सी टू से डिनोट करते हैं। तो देयर आर टू वैल्यूज बेसिकली, जहां जहां से चेंज हुआ है एक्चुअली, नॉर्मल स्टेट टू दी, ये जो ट्रांजिशन आया है अभी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई है, और ये फिर सडनली डिक्रीज नहीं हुआ है, ये स्लोली डिक्रीज हुआ है, ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। यहाँ पर ये आप नॉर्मल जो कंडक्टर है उसके जैसे बिहेवियर है ऑफ दी एच एंड रो रेजिस्टिविटी का, राइट, इस पॉइंट तक। लेकिन इस पॉइंट के बाद में ये ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, यहाँ इस ये जो है ये रेजिस्टिविटी जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे फर्स्ट केस में आपने ऑब्जर्व किया कि वो सडनली एकदम ड्रॉप हो गया है रेजिस्टिविटी, यहाँ पर रेजिस्टिविटी एच सी टू तक, इस पॉइंट तक एच की दिस वैल्यू एट एच इज इक्वल टू एच सी टू, यहाँ से जो है वो ट्रांजिशन स्टार्ट होगा, और ये इसके बाद जो है ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, एंड एट एच इज इक्वल टू एच सी वन इट इज इक्वल टू गोज टू जीरो। तो इस पॉइंट पर जाके ये रेजिस्टिविटी जीरो हुआ है एट एच सी वन, राइट। तो यहाँ ये आइडिया आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो टाइप टू सुपर कंडक्टर है उनके लिए रेजिस्टिविटी कैसे बिहेव करती है। एंड नाउ द सेकंड थिंग जो हम लोग यहाँ कंसिडरेशन करेंगे वो
मैग्नेटाइजेशन का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू दी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो ये एच हुआ और यहाँ ये एम हुआ, जिसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन बोल रहे हैं, ऑफ दी टाइप टू सुपर कंडक्टर। तो यहाँ इस केस में क्या है कि इस केस के लिए कि ये पहले स्ट्रीट लाइन इंक्रीज करेगा इस वे में, और उसके बाद ये जो है ग्रेजुअली ऐसे ये कर्व की शेप में आप देख पाएंगे। तो यहाँ ये जो वैल्यू है एक्चुअली ये एच सी टू है, और ये जो वैल्यू है तो वो एच सी वन। तो एच सी वन तक क्या है कि जैसे जैसे आप एच इंक्रीज करते हैं तो एम भी ये लिनियरली जो है इंक्रीज करेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख पा रहे हैं। तो जैसे जैसे एच इंक्रीज होगा वैसे ही आपका मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगा। लेकिन इस वैल्यू के बाद में जैसे जैसे एच सी वन और एच सी टू के बीच, राइट, तो क्या है एच सी वन टू एच सी टू ये जो है ग्रेजुअली जो है डिक्रीज कर रहा है मैग्नेटाइजेशन, इमिडिएट ये डिक्रीज नहीं करता है। तो यहां से यहां तक ये जो है इसको थोड़ा पहले हम डिफाइन कर लें कि ये 0 to H की जो वैल्यू एच सी वन तक, इसको हम प्योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स बोलते हैं। ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, दैट मीन्स यहाँ जो मटेरियल है वो परफेक्टली जो है वो एक डायमैग्नेटिक मटेरियल के जैसे बिहेव करेगा, और वो जो मैटर होगा, राइट, वो जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होगा उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं होंगी, तो वो इस पे में होगा। लेकिन जब ये एच सी वन वैल्यू को, इस एच की जब ये पर्टिकुलर वैल्यू है इसको क्रॉस करता है, तो कुछ अमाउंट जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का यहां से एंटर कर जाएगा, राइट। तो कुछ पॉइंट जो है यहां से आपके मैग्नेटिक फील्ड आप ऑब्जर्व करेंगे, राइट। तो यहाँ जो मैग्नेटाइजेशन है वो अब ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पर आपको दो स्टेट मिल रही है, नॉर्मल स्टेट भी अवेलेबल है और सुपर कंडक्टिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड स्टेट, राइट। तो यहाँ एच की जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं एच सी वन एच सी टू, इनका जो आप पहले देख पा रहे थे कि पार्ट वन जो था आपका जिसको टाइप वन सुपर कंडक्टर बोलते हैं, वहां जो वैल्यू हम लोगों ने बताया था वो 0.1 टेस्ला था, लेकिन यहाँ जो है 30 to 50 टेस्ला के बीच ये वैल्यू वेरी करती है। 30 टेस्ला हो सकता है, और ये बहुत ज्यादा है, ये वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड की है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की है, वो बहुत ज्यादा है। इस वैल्यू पर आपको ये सुपर कंडक्टिविटी यहाँ आपको मिल रही है। ये कुछ यहाँ जो बेसिक जो है इनके एग्जाम्पल है जो टाइप टू सुपर कंडक्टर्स हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया था कि टाइप वन और टाइप टू जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो उनकी एक छोटा सा समरी यहाँ पर वो मेंशन किया है कि नंबर वन दे एग्जिबिट कॉम्प्लीटली मेसनर इफेक्ट, लेकिन जो टाइप टू सुपर कंडक्टर्स हैं दे डोंट। टाइप वन शो द परफेक्ट डायमैग्नेटिक बिहेवियर व्हाइल टाइप टू सुपर कंडक्टर डजेंट शो द डायमैग्नेटिक बिहेवियर। नंबर थ्री दे हैव ओनली वन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, बट इन केस ऑफ टाइप टू देर आर टू क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाई एच सी वन एंड एच सी टू। हियर नंबर फोर इन टाइप वन नो मिक्स स्टेट, देर आर ओनली प्योर सुपर कंडक्टर स्टेट, वाइल इन टाइप टू सुपर कंडक्टर स्टेट यू हैव सीन मिक्सड स्टेट। इन टाइप वन सुपर कंडक्टर मेटेरियल लूज मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन एब्रप्टली, बट इन टाइप टू सुपर कंडक्टर्स मैग्नेटाइजेशन लूज ग्रेजुअली। नंबर सिक्स मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ टाइप वन इज 0.1 टेस्ला, वाइल इन टाइप टू सुपर कंडक्टर्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इज 30 टेस्ला। नंबर सेवन दिस टाइप वन सुपर कंडक्टर आल्सो नोन एज सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स एंड टाइप टू सुपर कंडक्टर्स आर नोन एज हार्ड सुपर कंडक्टर। एग्जाम्पल ऑफ द टाइप वन इज लेड टीन मर्करी एंड हियर दिस इज नियोबियम एन बी एंड टीन एंड दिस नियोबियम एंड दिस टाइटेनियम नियोबियम एंड जिरकोनियम, राइट, एंड दीज आर द अलॉयज एंड कंपाउंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।